हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और पर्यावरण जागरूकता के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है, जिसे कि हम जानते हैं हिमकॉस्टे के नाम से। परिषद की स्थापना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3 जनवरी 1986 को शिमला में की गई थी। ये परिषद विभिन्न प्रभागों के माध्यम से विविध क्षेत्रों में कार्य करती है। हिमाचल प्रदेश राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, ये हिमकॉस्टे का एक प्रमुख प्रभाग है, जिसे कि हम हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। इसका गठन वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश के तत्वाधान में किया गया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद यानी कि हिमकॉस्टे सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। इसकी कुछ गतिविधियों में शामिल हैं स्थानीय हितधारकों के साथ जुड़ाव, जिसमें कि छात्र और आम जनता शामिल है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाना, ओजोन दिवस मनाना और भी पर्यावरण संबंधी दिवसों का उत्सव मनाना। हाल ही में इसने चंद्रताल और पोंग वेटलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया। राष्ट्रीय हरित वाहिनी कार्यक्रम के तहत ये इको क्लब्स के प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों का भी संचालन करता है। आइए अब जानते हैं हिमकॉस्टे के अंतर्गत एक और प्रभाग के बारे में, जिसे कहते हैं पेटेंट सूचना केंद्र यानी कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर। ये पेटेंट्स, GI टैग, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन दाखिल करने के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करता है। क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 9 उत्पादों को उनकी विशिष्टता के आधार पर GI टैग भी दिया गया है? ये GI टैग के प्रचार के लिए सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का आयोजन भी करता है और आम जनता के लिए GI टैग के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं AGSEC यानी कि आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। AGSEC रिमोट सेंसिंग और GIS के क्षेत्र में काम करता है और एकीकृत प्राकृतिक संसाधन डेटा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में मदद करता है, जिसे कि हम इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्सेज डेटा मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसकी गतिविधियों में शामिल हैं विभिन्न हितधारकों के साथ कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना, साथ ही कई क्षेत्रों के दौरों का संगठन करना और विभिन्न सरकारी विभागों और निजी निकायों को भूस्थानिक अनुप्रयोगों के आधार पर परामर्श सेवाएं प्रदान करना, जिसे कि हम कहते हैं जियोस्पेशल एप्लीकेशंस। इसके आधार पर ये बहुत सारी परामर्श सेवाएं देता है। हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी कि हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये भी हिमकॉस्टे के अंतर्गत कार्य करता है। इसका गठन सरकार द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 के तहत विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे के लिए काम करता है। ये जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर PMC का गठन करता है। इसके साथ ही औषधीय पौधों की पहचान करना और खेती करना भी इसमें शामिल है। और तो और, इसमें बीजों के संरक्षण के लिए बीज बैंक्स की भी सुविधा ये प्रदान करता है। हिमकॉस्टे राज्य में स्कूली बच्चों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि युवा मन में छिपी प्रतिभा को बाहर लाया जा सके। इसके लिए राज्य स्तर पर सालाना बाल विज्ञान कांग्रेस यानी कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और अन्य महत्वपूर्ण विज्ञान संबंधी दिवसों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई युवा विज्ञान पुरस्कार योजना के तहत ये विज्ञान स्ट्रीम में मेधावी छात्रों को सम्मानित भी करता है। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर सुंदरनगर। इसकी स्थापना 1995 के दौरान की गई थी। उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर सुंदरनगर, इसने राज्य में कई एप्रोप्रिएट टेक्निक्स का सफलतापूर्वक प्रचार किया है, जैसे कि कम लागत वाले ग्रीन हाउस बनाना, ऊर्जा में बायोमास रूपांतरण और कम लागत वाले पॉलिथिन तालाब बनाना, साथ ही अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण इत्यादि। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे कि हम एनविस के नाम से जानते हैं। एनविस एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है
जो सभी के लिए पर्यावरण सूचना संकलन भंडारण पुनर्प्राप्ति और प्रसार में राष्ट्रीय प्रयासों के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए डेटाबेस के वितरित नेटवर्क का उपयोग करती है। इसकी गतिविधियों में शामिल हैं जागरूकता अभियान का आयोजन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता साहित्य का प्रकाशन करना। अब बात करते हैं स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सही उपाय सही समय पर करने के लिए जागरूकता पैदा करता है। इसकी गतिविधियों में शामिल हैं वर्तमान हिमनदों की निगरानी, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, वर्तमान और अतीत के रुझान के संबंधी जागरूकता उत्पन्न करता है, कार्यक्रमों का आयोजन करना, आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं और विभिन्न कार्यशालाओं और सम्मेलनों पर प्रशिक्षण देना भी सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज का कार्य है। हिमकॉस्टी की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को मजबूत करने पर केंद्रित है। ये थी हिमकॉस्टी द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर एक नजर। धन्यवाद।